लाहौर की मेट्रो बनती है चीफ मिनिस्टर बनाता है, बिल्कुल ठीक। पिशावर की मेट्रो बनाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रंटियर, बिल्कुल ठीक। कराची की मेट्रो फेडरल गवर्नमेंट की बनाए, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध क्यों नहीं कहता कि मेट्रो हम बनाएंगे? इंटरेस्ट नहीं हो, नहीं सवाल देखिए ना, अगर आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें आपके सारे सवालों का मतलब आज हाजिर हो जाएगा। मैंने सिंध गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं, ठीक है। मुझे 15 मई को बुला के जरदारी साहब ने कहा 2013 में, मिस्टर सैदी यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, वी नो यू, बट यू आर नॉट फिट टू बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध। आप मुझे सिंध का एक फाइनेंस मिनिस्टर बता दें जो कभी नॉन सिंधी रहा हो स्पीकिंग। चलो चीफ मिनिस्टर पे तो आप बात करते हैं ना, आप चीफ मिनिस्टर पे तो बात करते हैं, चलो सिंधी स्पीकिंग होना चाहिए। कोई एक बने फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं जो कभी नॉन उर्दू नॉन सिंधी स्पीकिंग रहा हो। अच्छा अब मुझे एक तीसरी बात बताएं कि दुनिया का कौन सा शहर है जिसकी आबादी 3 करोड़ है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन रेंजर के हाथ में है? कब तक है, कब तक रहेगी, इसका जवाब है आपके पास कोई? तो क्या रेंजर के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन रहकर कोई शहर तरक्की कर सकता है? देखिए रेंजर जो है, रेंजर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स नहीं है, नहीं है, नाइदर दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। तो आपने रेंजर क्यों बिठाई हुई है कराची में? कराची में कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक। कराची में जो SM लॉ कॉलेज है जो कि बड़ा तारीखी कॉलेज है, उसके पीछे एक मस्जिद बन रही है, ठीक है। वो मस्जिद की का जो एंड है वो फुटपाथ पे निकल रहा है और 4 मंजिला बिल्डिंग है, और शायद वो बिल्डिंग प्लॉट है जो है वो बंस गार्डन का प्लॉट है। मेरा ये सवाल है कि किसी बंदे ने कराची के किसी माइके लाल ने कहा ये कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है? कराची की हर मेजर एंट्रेंस पे पठानों का एक आर्म्ड कंट्रोल है, आप एंटर नहीं कर सकते कराची में। क्यों क्यों, ये क्या कहानी है? पठान आबादी इत्तेफाक से नहीं, इत्तेफाक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है इसलिए वो सारी जगह इत्तेफाक नहीं है, वहां असला है। क्या सुराब गोर से आप नहीं हो तो पुराने नहीं, आप मुझे नहीं आप मुझे बताएं कराची में स्कीम नंबर 33 क्यों नाकाम होती है? इसलिए कि सुराब गोर से गुजरना पड़ता है आपको। कराची में नॉर्दर्न बाईपास क्यों नहीं चलता? देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं किसी के खिलाफ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये जो आबादियां आपने बनाई हैं, इज देयर एनी मेथड इन मैडनेस? मैडनेस इज दिस मेथड? वो ऐसे अगर आप मुझे मैं नेगेटिव हो जाऊं ना आज, अगर मैं नेगेटिवली सोचना शुरू कर दूं तो मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये एक साजिश है। कटी पहाड़ी क्यों बनी पता है आपको? आप इस शहर के MNA हैं, आपको पता है कटी पहाड़ी क्यों बनी थी? बताएं। मतलब वो तो रास्ता देना था ना, पीछे से घूमने के जाने के बजाय बीच में से किसको शॉर्टकट मिल गया ना रास्ता? किसको रास्ता देना था? रास्ता देना था उर्दू स्पीकिंग औरंगी के बिहारियों को विद दी नाजाबाद बिहारी, नाजाबाद उर्दू स्पीकिंग। अब आपको मैं एक और बताऊं, आप फिर आप हैरान हो जाएंगे, गिजरी का फ्लाईओवर क्यों बनाए? क्योंकि वो दिल्ली कॉलोनी वो पंजाबी सारा उधर लड़ाई ये हो रही थी। क्या दिल्ली कॉलोनी का फ्लाईओवर क्यों बनाए? वो ट्रैफिक से बचने के लिए। नहीं, गिजरी का फ्लाईओवर इसलिए बना है कि दरमियान में एक सिंधी आबादी थी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती थी हंगामे में, समझ आई बात? तो आप मेरे से क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? क्योंकि मैं इस शहर को आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं, आप मैंने रहे नहीं, देखिए मैं मगर मैं इस शहर को ना आपको आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं। मैंने मेरी फैमिली ने एक जॉइंट वेंचर कर लिया एक जगह पर इंटीरियर सिंध में एक बंदे के साथ, एक शुगर मिल में, उसने मुझे तड़िया लगानी शुरू कर दी सिक्योरिटी की कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा क्या हुआ कि एक दिन वो मेरे पास आया तो एक बेचारा बहुत ही इंतहाई शरीफ और इंतहाई मासूम और दुबला पतला MPA ऑफ सिंध डिफेंस सैयद अख्तर बिलग्रामी वाला बैठा हुआ था। तो उन्होंने उसने मुझे एज यूजुअल फिर कोई धमकी दी। अख्तर बिलग्रामी साहब जब सुना तो वो शरीफ आदमी नहीं था वो, नहीं, तो नहीं उसने कुछ जाने कुछ बोला नहीं, सर, सर, सर मसला क्या है? तो उसने मुझे पूछा कि सर ये कौन है? मैंने कहा सर ये आपके इलाके का जहां आप रहते हैं ना, जहां आप रहते हैं डिफेंस में, ये उसका MP है। आप बोलिए साहब बिलीव करें वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया,
उसके बाद उसने मुझे कभी धमकी नहीं दी, वो ठीक हो गया। उसने मुझे उस बात के बाद कभी धमकी नहीं दी। मैंने कहा, उसने पूछा ये कौन है, मैंने कहा यार ये जिस इलाके में आपका घर है ना, उस इलाके के एमपी हैं। कि जो ट्राइबलिज्म सिंधी स्पीकिंग लोगों ने इंटीरियर में शुरू किया हुआ है वो आज से नहीं है मिटा, सुन लो ना बात, तो मैं क्यों नहीं डिफेंस में स्टार्ट कर दूं सर, वो खत्म करना चाहते नहीं ना आप बताए ना, फिर मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर दूं वंस रोड से, और दिल्ली कॉलोनी से बंदे तो कम नहीं है हमारे पास भी है ना, यानी कि नहीं नहीं आप बताए ना बंस रोड कितना दूर पड़ता है, ये काम हमने करना नहीं, नहीं है ना, ना, नहीं ना मैं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली कॉलोनी से डिफेंस फेज 5 में पहुंचने में कितनी देर लगती है, 3-4 मिनट, ठीक है अब तो फ्लाईओवर ही बन गया है, ठीक है ना, तो अगर वो आके 5 फायर मार के चले जाएंगे यहाँ पर, तो ये कितने एमपीए में नहीं आ रह सकते हैं, तो ये गड़बड़ है ना सर, नहीं गड़बड़ की बात नहीं है, क्वेश्चन है इसके पहले ये डिसाइड करें कि रूल ऑफ गेम क्या है, फुटबॉल खेलना है हॉकी खेलनी है, लेकिन आप एक बंदा हॉकी खेल रहा है एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है, ये तो नहीं था एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है एक हॉकी खेल रहा है, वो बेचारा फुटबॉल लेके आ रहा है हॉकी से भी हॉकी तोड़ रहा है, तो ठीक है ना पहले ये फैसला करें कि फुटबॉल खेलनी है हॉकी खेलनी है, ठीक है ना, तो अच्छा अब सवाल ये है कि ये जो फुटबॉल और हॉकी हो रही है, अच्छा इनको ये बात समझ नहीं आ रही, मैं मेरे सारे दोस्त हैं मतलब सारे मेरे इंटीरियर सिंध वाले भी मेरे दोस्त हैं सारे, मैं इनको समझाता हूँ कि चंदा तुम्हारे बच्चे लड़कियां बच्चे तुम्हारे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं और ये हमेशा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, हमारी का मतलब ये है कि गोली मार से जो इलेक्ट होगा ना वो होगा उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग मैक्सिमम, वो कभी सिंधी स्पीकिंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है लालू कैसे नहीं, अच्छा इसी तरह लाड़काना से शब्बर जदी इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक तो ये एक डिवीजन गलती या गलत या सही जैसी भी है, जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं जो लोग पिंडी में बैठे हैं उनको सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम का इदराक नहीं है, जो मैं और आप जब मैं सुबह दफ्तर अपने दफ्तर से उतरता हूँ जो फुटपाथ है मेरा जो वहाँ कूड़ा है जब कूड़ा करकट है, मैं कल SIUT जा रहा था अपने जिस जहाँ हम 600 डाले से रुफत करते हैं वहाँ गली में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ था रस्ते में, तो मैं सोच रहा था यार मैं 600 डायलिसिस करता हूँ यहाँ सुबह शाम आता जाता हूँ, ये क्या शहर है जिसने ये 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 कौन सा शहर है जिसमें इतना कूड़ा है, कराची से लोगों को हसद इसलिए है, अच्छा वो हसद पाकिस्तान में नहीं है पाकिस्तान के अंदर भी है पाकिस्तान के बाहर भी है, हसद इसलिए है पहली एट्रीब्यूट कराची की ये है कि कराची पूरे सब कॉन्टिनेंट में बल्कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट है, इस पोर्ट पर कभी कोई रुकावट जहाज में आने में नहीं पड़ती, चाहे कोई नहीं कोई तूफान नहीं होता कि रस्ते में कोई ऐसा पैसेज नहीं है जिसपे आके प्रॉब्लम पड़े, ठीक है मैं तो वजीर था मुझे तो ठीक, अच्छा ठीक है आगे चले, ये जो है वो दुनिया की पाकिस्तान की नहीं दुनिया की बेस्ट एयर लैंडिंग स्पेस है, दुनिया की पाकिस्तान की नहीं, बिकॉज ऑफ द वेदर नहीं बिकॉज ऑफ द स्पेस, उसके आगे जो लैंडिंग स्पेस के लिए दो तीन चीज चाहिए होती है कि आपकी जगह आगे वाली क्लियर हो स्पेस क्लियर हो, अच्छा दूसरी वजह ये है कि ये यूरोप और जो ईस्ट है सिंगापुर और हांगकांग उसका सेंटर है, दुबई में अभी भी स्टॉर्म्स आते हैं चीजें आती हैं एयरपोर्ट बंद होता है, कराची एयरपोर्ट कभी जिंदगी में बंद नहीं होता चाहे वो कोई भी मौसम हो, दूसरी बात, तीसरी बात कराची दुनिया का शायद वन ऑफ द फ्यू सिटीज है जिसके आसपास 50 मील तक कोई बड़ा शहर नहीं है, 100 मील तक 50 से 100 मील तक कोई बड़ा शहर नहीं है, तो ये शहर अभी 10 times बड़ा हो सकता है। चौथी बात ये है कराची की कि कराची में जो इस वक्त जैसे भी है अच्छा बुरा जैसा भी है वो तकरीबन बहुत आपको एक क्वालिफाइड मैन पावर मिल जाती है एज अ चीप रेट, क्योंकि हर बिल्कुल ठीक। पांचवी बात ये है कि कराची में आपको डाइवर्सिफाइड डेमोग्राफी मिल जाती है, कराची जो शहर है वो उसका जो वाटर जो रिसोर्सेज है वो उसके करीब एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स है, तकरीबन 100 miles से कम पर है, उसको कभी वाटर की शॉर्टेज नहीं होगी किसी भी सेंस के अंदर, ठीक है। और आखिरी बात ये है कि जो इंडिया पूरा इंडिया है उसमें जो पहली ट्रेन चली थी वो भी कराची में चली थी और ये पोर्ट डिजाइन ही एक्सपोर्ट के लिए हुई थी, बिल्कुल ये ठीक है, तो ये कराची की एट्रीब्यूट्स हैं। मेरा जाती व्यू है कि जब गोरा गया था यहां से इंडो पाक से मेरा ख्याल है वो कराची का फैसला करके नहीं गया, कराची को कैदर मोहम्मद अली जिन्ना ने कैपिटल सिटी बनाया था, सिंध का कैपिटल हैदराबाद हो गया, ठीक है आपने कायद आजम की ये बात क्यों नहीं मानी, बाकी सारी बातें तो मान ली। कराची के 4 सोल्यूशन है मेरे जहन में, गैर सियासी या सियासी जो भी आप कह लें,
पहला सोल्यूशन ये है कि कुछ भी लीगल चेंज नहीं करें, तमाम कराची की बॉडीज जो हैं, बिल्डिंग कंट्रोल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट जो भी हैं, इनको मेयर शेयर। अच्छा सोच, खराबी की साइड पर आप आए तो कराची शायद वाहिद शहर है दुनिया का जिसके अंदर 6 कैंट हैं, मलीर कैंट, फैसल कैंट, सदर, डीएचए, सदर, क्लिफ्टन, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, सदर, मारीपुर रोड, मारीपुर। आप 6 कैंटों के अंदर बैठे, बारिश का पानी निकल के भी मेयर लेके जाता है, दरमियान में कैंट आ जाता है, फिर वो आगे जाता है, शहर आता है, फिर कैंट निकलता है, फिर कैंट आता है। मुझे एक्चुअली मुस्तफा कमाल मेयर ने बताया कि मैं पानी का लेके चलता हूँ, दरमियान में कैंट आ जाता है, फिर कैंट निकलता है, फिर आगे कैंट आता है, फिर शहर आ जाता है, फिर कैंट आ जाता है। ये आप बताएं, दुनिया का कोई शहर है जिसके अंदर 6 कैंट है? कि ये बात फौज को अच्छी लगे या बुरी लगे, कैंटोनमेंट्स को आपने रहना है, चले आप रखें कैंटोनमेंट्स को, मगर उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कराची में किसी भी नई मस्जिद की गुंजाइश नहीं है, नहीं, किसी मेन सिटी के अंदर कोई नई मस्जिद ही बनाए। और जैसे मैक्रो रोड है जो बड़ी रोड है हमारी, इसमें खाली प्लॉट ले, चुंदरीगढ़ रोड, नहीं, हम मैक्रो रोड ही कहते हैं, उसके अंदर खाली प्लॉट लेकर, ये सुने बड़ी बात, खाली प्लॉट लेकर एक 10 या 12 मंजिला मस्जिद बनाए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं मेरी सारी जिंदगी उस ऑफिस में गुजरी है जो चुंदरीगढ़ रोड पर है, ठीक है, पूरे चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर कोई बड़ी मस्जिद नहीं है, सुनने मेरी बात, और वहां स्टेट बैंक है, सारे ऑफिस हैं, और हमारे लोग रोजाना की नमाज पढ़े या नहीं पढ़े मगर जुमा पढ़ते, ठीक है, और मैंने जुमा पढ़ते हुए सारी आई चुंदरीगढ़ रोड पे या मैक्रो रोड पर लोगों को सड़कों पे देखा है। आपको शहर के अंदर प्रॉपर मस्जिद आई चुंदरीगढ़ रोड पे बनाए, उसका 10 फ्लोर होने चाहिए, उसके लाइब्रेरी बनाए, नहीं 10 फ्लोर बनाए, और उसके अंदर पार्किंग प्रॉपर बनाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोने में मस्जिद किसी बंदे ने बना ली, आप स्टेट मस्जिद बनाए, कराची की गवर्नमेंट मस्जिद बनाए मैक्रो रोड के ऊपर, बद्दल रोड के ऊपर, और ये जो बिलावल की मस्जिदें बनी हुई हैं उल्टी बुल्टी टेढ़ी, इनको सीधा करें और एक प्रॉपर स्टेट की मस्जिद बने उन तमाम सड़कों पर जहां पर मस्जिदें नहीं है। चौथी बात यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कराची और किसी भी बड़े शहर का पिछले 50 साल से कोई सर्वे नहीं हुआ, यानी कि लैंड सर्वे, नहीं, सर्वे मीन प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी वही, आखिरी मरतबा 1974-75 में हुआ था। अब आप सोचे 74-75 में कराची क्या था, आज क्या है, जमीन आसमान। तो बम्बई का 74-75 डीएचए था ही नहीं, बॉम्बे का प्रॉपर्टी टैक्स पूरे पाकिस्तान के टैक्स से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप क्या खेल खेल रहे हैं, आप ओपन प्लॉट की ट्रांजेक्शन को खत्म करें, अगर कोई प्लॉट लेता है और 3 साल में वो घर नहीं, 2 साल में घर नहीं बनाता तो उसको इतने हैवी चार्ज बनाएं कि वो प्रॉपर्टी वापस करने में मिल जाए। आप प्लॉटों को कारोबार नहीं कर सकते, आप प्लॉटों का कारोबार बंद होना चाहिए। मतलब आप ये कहें कि प्लॉट फेज 7 आपने बनाया था 20 साल पहले, अब लोगों ने 20 साल, आपने फेज 7 बना दिया और 20 साल में पूरे कराची में एक एक, एक, एक जुए के लिए जगह आ गई, मैंने खरीदा आपने बेचा, मैंने खरीदा आपने बेचा। आप फेज 7 को उस वक्त अलॉट करें या फेज 8 को उस वक्त अलॉट करें, आपके ये आज अलॉट हो रहा है, 1 साल में नहीं बना, कैंसिल। एक आप भी सियासतदान रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, हर सियासतदान का ये होता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करें, बिल्कुल, वोट वहां से मिलता है। जब उनका वोट बैंक नहीं है तो वो वोट बैंक के अलावा काम नहीं कर सकते। बिलावल साहब उठते हैं, वो जाके लियारी बैठ जाते हैं, वापिस आते हैं लियारी बैठ जाते हैं, वापिस आते हैं लियारी बैठ जाते हैं, वो भी जाते हैं। और इतनी गंदी गलियां हैं लियारी की, इतनी गंदी गलियां हैं, इतनी तबाही फिरी हुई है लियारी के अंदर कि आपको कोई कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, देखिए मैं तो एक और लाइटर नोट एक बात कह रहा था आपको, आप पता नहीं आपको अच्छा लगे नहीं लगे, यार ये तो कायदादों का मजार है, इसमें बहुत बड़ा प्लॉट नहीं दे दिया हमने। देर आर मेनी मेनी पीपल जिनके इंटरेस्ट में है कि कराची में खून बहे, ठीक है, वो ये चाहेंगे। अच्छा इसमें जो स्पॉइलर है ना कराची में, एक आप लोग आपकी पार्टी का थोड़ा बहुत उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, वो मजहबी जमाते हैं, उनका उनको पार्टी कोई नहीं, नहीं उनकी नहीं, अच्छा नहीं, उनको कोई पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, उनको काउंसिलर भी इलेक्ट नहीं हो सकता किसी जगह पर, वो कराची में वोट ले लेते हैं इस वजह से थोड़े बहुत, क्योंकि उनका एक वो, क्योंकि कराची में एक एंटी सिस्टम का हमेशा से एक एंटी सिस्टम खड़ा हो गया है। तो अगर आप कराची को तबाह करना चाहते हैं मजीद, तो ये एथनिक और ये रिलीजियस पार्टी आ जाएंगी
और ये आके इस शहर को तबाह बर्बाद कर देंगे कि अगर कराची की इकोनॉमी नहीं चली तो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट उल्टे लटक जाएं पाकिस्तान नहीं ठीक होता।